ये जगह ठीक है, कोई नहीं है यहाँ पर। जल्दी वो लोग रोफे की तरफ जा रहे हैं। ओके फाइनल। सर इस हॉल का मैनेजर हूँ। कहाँ है लक्ष्य? फर्स्ट फ्लोर बाथरूम में। चलिए दिखाइए। किसी ने किसी चीज पे लक्ष्य को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने वहाँ अपना आदमी खड़ा कर दिया। हटिया हटिया। लगता है कोई तार या पतली सी रस्सी वगैरह हो। हाँ सर, घाव काफी गहरा है। पंकज, देखो सर, देखो यहाँ पर कोई वायर या कोई पतली सी रस्सी वगैरह मिलती है क्या? अच्छी तरह से देखो सर। क्या आप में से किसी ने ये खून होते हुए देखा? नहीं सर। लाश के बारे में पता कैसे चला? सर लाश इन्होंने देखी थी। तुमने देखी? हाँ सर, मैंने देखा। हाँ बताओ। मैं जब अंदर आया तो वो आदमी वहीं पर पड़ा हुआ था। मुझे लगा चक्कर आके गिरा होगा, तो मैंने उसकी नब्ज भी देखी, लेकिन क्या उस वक्त अंदर कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं था। मैं बाहर भाग कर आया, बाहर आके चिल्लाया, सब लोगों को पता चला। बड़ी अजीब बात, मॉल के बाथरूम में अक्सर लोगों का आना जाना तो रहता ही। ये सीसीटीवी कैमरा चालू है? जी सर। हाँ हाँ सर। सर इस आदमी का नाम मनीष है और ये गोकुल नगर में रहता है। मनीष गोकुल नगर में रहता है। सर अंदर कोई भी वायर जैसी या रस्सी जैसी चीज नहीं मिली। कुछ भी नहीं? नहीं सर। सर एक बात और। क्या? उस आदमी की लाश को देखकर एक औरत बेहोश हो गई थी। औरत बेहोश हो गई? कहाँ है वो? हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया सर। कौन से हॉस्पिटल में? जीआरवीसी। जीआरवीसी हॉस्पिटल। हो सकता है ये औरत आदमी को जानती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है सचिन। पूर्वी एक काम करो, जीआरवीसी हॉस्पिटल में जाकर पता लगाओ इस औरत के बारे में, देखो है कौन। और सचिन वो जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसका फुटेज चेक करो, देखो जिस वक्त ये खून हुआ होगा कितने लोग कौन लोग उस वाले बाथरूम से अंदर बाहर जा रहे थे। हाँ चेक करो। उन दोनों को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं। तुमने उन्हें छेड़ा तो नहीं? नहीं बॉस। गुड, क्योंकि उन दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। कहाँ है वो दोनों? चिक्की की शॉप पर। कौन कौन सी चिक्की आपके पास? मैडम हमारे पास काफी सारी चिक्की हैं, फज भी है। फज? Oh my God, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चॉकलेट भी। अच्छा, ये भी रखो, ये भी रखो। yeah! एक पैकेट चिक्की। लेकिन इतना लिया है, चार दिन तक यही खाते रहना था। तो क्या हुआ यार? चार दिन तक तो तब खाओगे ना,
जब मैं तुम्हें 4 दिन तक जिंदा रहने दूंगा। चलो सौरभ का अभी तक होश नहीं है, जैसे उसे होश आएगा डॉक्टर हमें फोन करके बता दे। ठीक है, गुड। ये वो 3 लोग हैं जो मनीष के बाथरूम में घुसने के बाद अंदर घुसे और फिर बाहर निकले। इन 3 में आखिरी आदमी कौन बाहर आया था? सर ये आखिरी आदमी, ये टोपी वाला। सर तो इसने खूनी को देखा होगा। ये भी तो हो सकता है पंकज, यही हमारा खूनी। अभी जाओ, अभी। क्या हुआ? कोई टेंशन है? टेंशन? कोई टेंशन नहीं है, मैं सोच रहा था कि अभी और काका घूमना बाकी है। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है अभी? वो देखो माथेरन का मैप, चलो देखते हैं। तुम जाके देखो। ओके। चाय चाहिए तुम्हें? चाय? नहीं। अभी तुम चाय के नाम जैसे डांस क्यों कर रहे हो? चाय तो तुम्हें पसंद है। यही मारूंगा आज से, यही निकालेंगे इसे दोनों को। अभी टॉयलेट जाना है। तो बोलना चाहिए ना। अब कैसे कहूं? नई नई शादी हुई ना। जाओ भागो। ये तो यही आ रहा है, यही मारूंगा इसे। आ गया। गोली मार दूं? नहीं, ये आसपास लोग हैं, डंडे से मारते हैं। चल। मनीष जी बहुत ही सज्जन आदमी थे, ना किसी से कोई तकरार, ना किसी से कोई झंझट। क्या वो घर में अकेले रहते थे या? नहीं साहब, परिवार में 3 लोग थे, मनीष जी, उनकी बीवी और निहारिका। निहारिका? ये निहारिका है? जी हाँ, उनकी बेटी, अभी 2 हफ्ते पहले ही उसकी शादी हुई है। सर सुरेखा जी कैसी हैं? मनीष जी की बीवी सुरेखा जी बेहोश है, हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या निहारिका का टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं सर। नहीं? अच्छा देखो जरा, कोई डायरी वगैरह है क्या? शायद उसका नंबर लिखा। देखो एक बात बताइए, क्या आपने इस आदमी को देखा है? जानते हैं आप इसे? नहीं सर, इसे मैंने कभी नहीं देखा। नहीं? सर ये डायरी मिली है, इसमें निहारिका के नाम के आगे ये नंबर लिखा। फोन लगाओ निहारिका को। एक बात बताइए, क्या मनीष जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, क्या किसी ने उन्हें धमकाया था? धमकी तो नहीं, लेकिन कल कुछ लड़कों के साथ कहासुनी हो गई थी उनकी। किन लड़कों के साथ? कॉलोनी के लड़के, नीचे खेल रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, निहारिका का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है? निहारिका का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। सुनो बच्चों, आओ जरा,
तुम लोग यहीं पे रहते हो? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये पड़ोसी बता रहे थे कि तुम लोगों का कुछ झगड़ा हुआ था मनीष जी के साथ। सर, झगड़ा हमारा नहीं, किसी दूसरे आदमी का हुआ था। तुम्हारा नहीं हुआ था, किसी और का? है कौन ये दूसरा आदमी? सर वो तो नहीं पता, गेट के बाहर खड़ा हुआ था और जैसे ही मनीष जी लौटे उनसे झगड़ने लगा। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था? कुछ सुना तुमने? कुछ पता है? नहीं सर, लेकिन जाते जाते उन्हें एक धमकी दे गया था कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अच्छा, उसका चेहरा याद है तुम लोगों को? गुड, यही था वन? हाँ सर, यही था। सर, उसी ने मारा होगा मनीष को। हाँ, पर क्यों? क्यों? और अगर ऐसा है तो मनीष की बीवी को भी मारने की कोशिश करेगा। इस हॉस्पिटल पे नजर रखनी चाहिए और मनीष की बेटी के बारे में पूरा पता लगाना चाहिए। इस आदमी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। पुरानी फाइलों में भी नहीं दिख रहा है। एक काम करो, इसकी दाढ़ी मूछ निकालो, फिर से मैच करो। हो गया, ये देखिए। समीर 2 साल पहले जेल गया था और 2 साल के बाद पिछले हफ्ते ही छूटा है। सर, और इस आदमी को उसी ने जेल भिजवाया था जिसकी लाश हमें मॉल में मिली थी। मतलब ये समीर बदला ले रहा है। सर, फिर तो मनीष के परिवार के बाकी सदस्यों को भी खतरा होगा। फिर तो मनीष जी की बेटी निहारिका, उसको फौरन ढूंढना होगा, सिक्योरिटी देनी होगी उसे। मगर सर, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास उसका कोई अता पता नहीं है। अता पता है? निहारिका का आता पता है सर। कहाँ है वो? मैंने उसके कॉल सेंटर वाले दोस्तों से पूछताछ की, निहारिका अपने पति अभिमन्यु के साथ हनीमून मनाने गई है माथेरान में। माथेरान? मालूम है ना, जो लोग माथेरान आते हैं अपनी गाड़ियां यहीं पार्क कर देती हैं, क्योंकि अंदर माथेरान में गाड़ियां तो अलाउड है नहीं। हाँ, और ये अभिमन्यु और निहारिका गाड़ी से आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क की होगी। और यहाँ से आगे कैसे, पैदल गए होंगे? चल के भी जाते हैं और वो घोड़े हैं ना, घोड़े और हाथ गाड़ी पे भी जाते हैं। सर, मैंने सुना है यहाँ पे 3-4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। सर, फिर तो जरूर उन दोनों को अंदर जाते हुए किसी न किसी ने देखा होगा। घोड़े वाले से, हाथ गाड़ी वाले से पूछ लें। दोनों को यहाँ पे देखा? हाँ साहब, ये दोनों तो मेरी गाड़ी में बैठे थे। कहाँ पे छोड़ा था इन्हें? इन दोनों को मैंने होटल उषा में छोड़ा था। होटल उषा? थैंक यू। चलो देखते हैं होटल उषा में क्या हुआ था। सर, ये अभिमन्यु और निहारिका का कमरा कौन सा है? कहाँ ठहरे? सर, आप कौन? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर, इतनी तो कोई बड़ी बात हुई नहीं कि उन्होंने सीआईडी वालों को बुला लिया। ये गलत बात है सर। अभी तो हमने मुंह भी नहीं खोला और आप। वैसे हुआ क्या? कुछ नहीं सर, उनके रूम में किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, बस हम लोग पूछताछ कर रहे हैं सर। चोरी? कौन था वो? मालूम नहीं सर कौन था, भाग गया।
मगर जाते जाते हमारे एक वेटर के सर पे मार गया। उस वेटर को बुलाओ। जी जरा संतोष को बुलाना। सर ये पहली बार अपने होटल में हुआ है, हमने तो उनसे माफी भी मांगी और यहाँ तक कि उनका कमरा भी चेंज करवा दिया। संतोष जी तुमने देखा था चोर को? हाँ सर। कहाँ था चोर? कमरे के अंदर? अलमारी के अंदर था सर। जैसे ही मैंने अलमारी खोली मुझे मार के भाग गया सर। तुम कमरे में करने क्या गए थे? सांप ने डेकोरेट करने के लिए बोला था सर, डेकोरेट करने के लिए गया था। वो बेड के ऊपर थोड़ा फूल लगाने का था तो थोड़े फूल कम पड़ गए, अलमारी के अंदर फूल थे थोड़े, वो खोलने के लिए गया। जैसे ही खोला तो सांप अंदर ही बैठा था, बा अंदर से मुझे इधर मार दिया और भाग गया सर। ये था वो आदमी? जी यही था सर, किसी ने मुझे मारा सर। तो यहाँ तक पहुँच गया, वहाँ निहारिका के फादर को मारा, आप यहाँ आप जी और फिर से हमला करेगा, उन दोनों को जान से मार देगा। तो इससे पहले कि वो उन्हें मारे हमें उसे रोकना होगा। ये अभिमन्यु और निहारिका गए कहाँ आपको कुछ पता है? सर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, जुम्मा पट्टी के पास पानी के झरने हैं वो देखने गए हैं। जुम्मा पट्टी चलते हैं। रुको रुको रुको, ये क्या वहां पे क्या देखना जरा, काफी लोग खड़े दिखते हैं, चक्कर क्या है? काफी सारी भीड़ खड़ी है नीचे, हुआ क्या है वहां पे? वहां दूर नीचे कोई लेटा हुआ है। हाँ चलो देखते हैं। चलो देखा जाए। क्या हुआ यहाँ? कोई तरी मेला है वाटता। मेला? खाली जाऊन बघितलं का? नाही साहेब। इचे हटो जरा, साइड लावा, साइड लावा, एक मिनिट पाडिया, हटिया हटिया प्लीज। अजीब जगह लाके मारा है ये, अभिमन्यु तो नहीं लगता है। खून बहुत ज्यादा, किसी भारी चीज से मारा गया, पानी पीने से बाल धुल गए हैं, बताना मुश्किल है। लाठी या डंडे से मारा होगा, लकड़ी के या लोहे? सर यहाँ तो लोग ज्यादातर लकड़ी का डंडा लेकर ही चलते हैं। हाँ लोहे का डंडा तो काफी कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कोई लोहे का डंडा लेके चलेगा वो तो कोई बदमाशी होगा ना। कमाल है, दिन दहाड़े कोई इस आदमी को मार के गया तो किसी ने देखा कैसे ना? ए, आप लोग जरा इधर आओ। संभाल के संभाल के, संभालो आराम से आओ, पास में आओ जरा। किसी ने देखा इस आदमी को, पहचानते हो? नहीं सर कभी नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं सर मैंने भी नहीं देखा। आप इधर आइए, इधर। अरे इधर आइए, घबराइए मत, इधर आइए आइए, आप पास से देखो देखो, ये देखो इधर ये। अरे निकल, रोको 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 उनको, कहाँ जा रहे हैं? ए रुको, अगर 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 आइक माजा, सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट, रुकिए सुनिए एक मिनट रुकिए आप। अगर थाम कुठे चालली आहेस? अगर कशाला घाबरते आहेस तू? तू काही केलंयस का?
मैं सांगा तेना जे सांगाई से थे कहाँ भाग रहे आप लोग है? कुछ गड़बड़ है? अरे देखिए साहब, ये ना मेरी बाइको है और ये कभी झूठ नहीं बोलती। उल्टा जब भी मैं खोटा बोलता हूँ ना तो मेरा ही कान मरोड़ती है। पूछिए इससे, मतलब सांगना है ना, मैं हूँ ना तेरे साथ। अब ये हैं, आप क्यों घबरा रही हैं? बताइए क्या क्या बात है? साहब साहब, मैं ना पीछे ये तो नहीं, मैं इधर से आ रही थी साहब। अच्छा, तो आप इधर से आ रही थी, फिर क्या हुआ? साहब मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की इस तरफ से भाग के आए और इस तरफ चले गए साहब। सब वो दोनों बहुत घबराए हुए थे साहब। फोटो दिखा उनको, ये थे वो लोग। यही थे। पीछे हटो जरा, गाड़ी आ रही है, नीचे देख के आएगी। चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। फिर क्या हुआ? हाँ घबराओ मत, बोलो ना क्या हुआ फिर। अगर सांग साहब साहब, मैंने देखा वहां से एक आदमी भागता हुआ आ रहा था और वो भाग भाग के वहां उनके पीछे चला गया साहब, और साहब उसके हाथ में डंडा था। डंडा लेके वो आदमी उसके पीछे भाग रहा था? हाँ साहब। फिर क्या हुआ सर? फिर मैं इस तरफ निकली, अपने घर के लिए चलने लगी और मैं थोड़ी दूर में चली ना तो मैंने अचानक देखा कि वहाँ पे ना वो आदमी पड़ा हुआ था साहब। तो फिर जाके देखा क्यों नहीं? नहीं साहब, मैं क्यों जाऊंगी? बराबर है ना साहब, ये सारी बातें आप हमें पहले भी बता सकती थी। अभी बता दी साहब। ठीक है ठीक है, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जा सकते हैं। डंडा लेके उस तरफ भाग गए। निखिल श्रेय, जरा बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो, उस तरफ देखते हैं। वो आदमी हाथ में डंडा लेके उस तरफ भागा। दया जिस डंडे से खून किया है वो डंडा लेके बाजार में तो घूमेगा नहीं। हाँ, मर्डर वेपन हाथ में लेके तो जाएगा नहीं, वो यहीं कहीं होगा दया, यहीं कहीं फेंका होगा। एक मिनट अभिजीत। हाँ संभाल संभाल। तो एक अड़ है ये, इसी से मारा है। मार के अब तक निकल गया होगा, दो घंटे हो गए। ओ भाऊ आए का? ये ट्रैक के आसपास कोई कॉलोनी वगैरह है क्या, घर वगैरह? ओ आए ना, इंदिरा कॉलोनी गांव है पुड़े। इंदिरा कॉलोनी? अरे बाओ सुना जरा, इन दोनों लड़के लड़की को देखा क्या आसपास? हाँ, ये दोनों इधर से आए और एक कॉलोनी में चले गए। थैंक यू। टैक्स सर, एक मिनट। बाबा जरा ये देखो, ये लड़का लड़की को आसपास देखा है क्या?
क्या चलते हाँ चलते लड़का लड़का अभी मत होगा। ओके थैंक यू। एक मिनट सुनो जरा, ये लड़का लड़की को देखा है यहाँ आसपास? ये हाँ साहब देखा है। ये गली में निकल गए। इधर अरे वाह, ये दोनों यहाँ से अभी भागते हुए गए थे, देखा? हाँ साहब हाँ हाँ इतनी आदा है यहाँ साइड ना खाली गिरे साहब लाखों गिरे साहब। चलो संभल के दो लोगों को देखा आपने यहाँ पे? ये है उधर। ये? ओ वहाँ से आए। और यहाँ से ऐसे चले गए सर। और सब उनके पीछे एक आदमी भी आए और इधर से उनके पीछे 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 भागते गए। वो भी है। चारों तरफ देखना पड़ेगा। ये क्या किया तुमने है? मैंने क्या किया? क्या किया? खून निकाल दिया श्रेय के हाथ से है? नहीं सर, दया सर ने कुछ नहीं किया, वो मेरा पैर फिसल गया तो मुझे चोट लग गई। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है, नहीं तो मैं तो फिर सर मुझे चोट लगी इस चूड़ी के टुकड़े से। ये तो नई नवेली दुल्हन पहनती है। और ये जैकेट, जैकेट भी यहीं थी? सर जैकेट वहां पर थी। लड़के का जैकेट भी मिला और लड़के का जूता भी। और सर ये
मंगलसूत्र भी मिला। ये इस तरफ जा रही है चूड़ियां। सर जरूर यहाँ पे अभिमन्यु और निहारिका से उसकी हाथापाई हुई है सर। लगता है उसी हाथापाई में निहारिका की चूड़ियां टूटी हैं। ये क्या? ये कुआं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चूड़ियों के निशान यहाँ के खत्म होते हैं कुएं पे। इस कुएं में कुछ गड़बड़ है, यही कुछ हुआ है। हाँ, कुएं के अंदर कुछ ना कुछ तो है, अंदर जाना पड़ेगा। मैं जम करूँ सर? नहीं निकल, यहाँ के लोकल को बुलाते हैं। लेके ले रख दो यहाँ पे, बस ठीक। अभिमन्यु गोली मारी। हाँ, मगर निहारिका, निहारिका कहाँ है? अगर उसने अभिमन्यु को मारा है तो निहारिका को भी नहीं छोड़ेगा। बचेगा नहीं वो हमारे हाथों से। सब लोग जाओ इधर, छोड़ना नहीं उसे, ढूंढो। निहारिका, कहाँ छुपी हो तुम निहारिका? मुझसे क्या डरना निहारिका, मैं तो तुम्हारा प्यार हूँ। हाँ निहारिका डार्लिंग, निहारिका, निहारिका कहाँ छुपी हो तुम निहारिका? तुम्हारे बाप ने मुझे जेल भेज दिया था ना, तो हमारी शादी 2 साल पहले ही हो गई होती, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप को भी मार दिया। और तेरे पति को भी मार। निहारिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं निहारिका, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, और तुमने भी मेरा इंतजार भी नहीं किया। खैर छोड़, अब हमें किसी का डर नहीं, अब हमें किसी का डर नहीं, अब हम दोनों साथ रहेंगे। और तुम कहो निहारिका, इधर इधर से आवाज आई है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा निहारिका, तो मेरा प्यार हो ना। पास में जोर से बहता हुआ पानी है, लगता है निहार का पानी नहीं भाग रही है। तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जिंदगी भर तुम्हें फूलों पे सजा के रखूंगा। बचाओ, बचाओ। उधर क्या? रुक जा!
नहीं तो गोली मार। अब तो कहीं नहीं भाग सकती। रुक रुक, नहीं तो गोली मार दूंगा। भागे क्यों? भागे क्यों? गुस्सा क्यों दिलाया? मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, उनके पास को कोई माफी नहीं। मैंने क्या किया? क्या किया था मैंने कि मुझे जेल भेज दिया? जेल तो तुझे फिर से जाना पड़ेगा। भेजूंगा जरूर तुझे जेल, पर उससे पहले तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? ये मारेगी, मैं गोली मार दूंगा इसे। देख, देख। पास रुमाल उमाल नहीं है? बांधो बांधो, हाँ बांधो।